नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा दो स्टॉक्स के बारे में, अदानी ग्रुप के अदानी पावर एंड अदानी विलमार। इन स्टॉक्स में आज आपको गिरावट थोड़ी बढ़ते हुए दिख रही है, और चाहे आप बाकी के अदानी ग्रुप के स्टॉक्स भी देखें तो कहीं कहीं आपको गिरावट एक्स्ट्रा होती हुई दिख रही है। क्या हम ये समझ लें कि ये जो वॉलिटिलिटी थी वो खत्म हुई और उसी के साथ साथ जो रिकवरी की उम्मीदें थी वो भी खत्म हो गई हैं? इस समय क्या करना चाहिए निवेशकों को, क्या यहाँ पे एग्जिट कर दें क्योंकि अभी सर्किट नहीं है, या फिर वेट करना चाहिए? तो चलिए इसी के बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट की अपडेट दे दूं। निफ्टी इस समय अराउंड 80 पॉइंट्स ऊपर 17,025 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मेरे को मार्केट में कुछ ज्यादा खास जान दिख नहीं रही है, और एसटीटी का बढ़ना ही अपने आप में मार्केट में नेगेटिविटी लेके आएगा ही आएगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,500 पे ट्रेड कर रही है, 600 के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम में आएगी मार्केट, देखते हैं ऊपर निकलता है मार्केट नहीं निकलता है। और वहीं अगर निफ्टी की बात करें तो 17,050 के ऊपर निकलेगा तो कुछ सोचेंगे, क्योंकि 25 एक रेजिस्टेंस के रूप में सामने आएगा। अच्छी बात है कि डाउ फ्यूचर्स से मदद मिल रही है लगभग 131 पॉइंट्स की, और ये इंपॉर्टेंट है। जिसकी भी तेजी की पोजीशन हो वो डाउ फ्यूचर्स को जरूर देखते रहें। अगर डाउ फ्यूचर्स में और तेजी बनती है तो यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ऊपर आ सकते हैं। बट इनकेस अगर डाउ फ्यूचर्स दोबारा से ये पॉइंट्स कम होते हुए दिखते हैं या फिर लाल निशान चले तो डेफिनेटली मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डाउ फ्यूचर्स को कंटिन्यू एक स्क्रीन पे देखते रहें। अब बात करते हैं स्टॉक्स स्पेसिफिक। तो आज के सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन हो रहा है, कहीं हरे निशान में तो कहीं लाल निशान में, और यहाँ अदानी पावर हो या अदानी विलमार दोनों आपके लिए लाल निशान में फिसलते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 3 से 3.5% की तेजी गिरावट है दोनों ही स्टॉक्स में। अगर अदानी पावर की बात करें तो लगभग इस समय आपके लिए 186 रुपीज के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 3.5% के समथिंग डाउन है। वॉल्यूम्स अराउंड 33 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं और एवरेज वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर्स का है। स्टॉक ने ऊपर में रिकवरी में जो तेजी दिखाई आपको वन साइडेड, अराउंड ऊपर से गिरा 278 से स्टॉक गिरा 140 तक, ऊपर आया 171, नीचे दोबारा से 140 का लो लगाया, यानी कि डबल बॉटम फॉर्म करा। उसके बाद ऊपर अपसाइड जो दिखाई वो 215 तक दिखाई है, एंड वहां से अब करेक्शन स्टार्ट हो रही है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें अगर आप ट्रेंड लाइन से, तो ऊपर से एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का ही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेके स्टॉक दोबारा गिरता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल भी जान नहीं दिख रही है। स्टॉक दोबारा से प्रीवियस लो टेस्ट कर सकता है जो कि 145-140 के लगाए हुए हैं, जहां पे डबल बॉटम क्रिएट करा था। तो यहाँ पे आप 185 पे ऑलमोस्ट यहाँ से 20% की गिरावट है वो अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आप चाहे तो पोजिशन को हल्की कर लेना एक बेटर ऑप्शन होगा। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, बट पोजीशन को हल्की आप कर सकते हो, एकदम सारा नहीं बेचना है, हल्की जरूर कर ले मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि दोबारा से स्टॉक लोअर एंड की तरफ ही जाते हुए दिख रहे हैं। अदानी ग्रुप को लेकर काफी सारे थोड़ी सी तेजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट में दोबारा से तेजी आई है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में, बट आपसे कंटिन्यू यही कहता रहा हूं कि जिनके पास है बस वही अपने ट्रेड को कैसे भी करके एग्जिट धीरे 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 तेजी में करते चले, फ्रेश एंट्री बॉटम फिशिंग दोनों ही ना करें, क्योंकि इन स्टॉक्स में अब जान नहीं रहेगी। अदानी ग्रुप का कोई भी स्टॉक आज के सेशन में देखो तो लाल निशान में दिखेगा। अदानी एंटरप्राइज लगभग 3% नीचे, अदानी ग्रीन में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है, ट्रांसमिशन भी नीचे है, पावर और विलमार तो मैंने भी आपके साथ शेयर करा ही। वहीं आप बात करें टोटल गैस की, तो टोटल गैस का शेयर मैं आपके साथ एग्जैक्टली शेयर करूं तो ये भी लाल निशान में ही देखने को मिल रहा है। तो कहीं से कहीं तक कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अब सिंपल सा लॉजिक है, जो वैल्यूएशन आपको पहले मिले वो तो मिलेंगे नहीं, और सेकंड थिंग जो लोगों का ट्रस्ट था, जो बड़े म्यूचुअल फंड्स थे उनका ट्रस्ट था, वो अब टूट चुका है। एंड LIC तक कह चुका है कि हम इसमें अपना निवेश अब कहीं ना कहीं रोकेंगे और इससे ज्यादा नहीं करेंगे, एक प्रॉपर अमाउंट से ज्यादा। तो इस तरीके की चीजें डेफिनेटली काफी नेगेटिव होती हैं, और अभी सेबी कहीं ना कहीं कंटिन्यू चेक कर ही रहा है, और 2 महीने का जो टाइम फ्रेम था वो भी ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। अब अगले महीने आपके लिए कोई अपडेट आते हुए दिखेगा यहाँ पे जो मैनिपुलेशन के आरोप थे, और अदानी एंटरप्राइज के कहीं ना कहीं अदानी एंटरप्राइज की जो कॉर्पोरेट एक्शन में आपके लिए अपडेट भी आई थी कि जो अंबुजा सीमेंट है उससे अदानी ग्रुप का कोई मतलब रिलेशन है ही नहीं, वो टोटली विनोद अदानी जी को बिलोंग करती है अंबुजा सीमेंट और ACC जो एक्वायर हुई थी। और जब स्टार्टिंग में केस करा गया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने जब इन पे आरोप लगाए थे, तो वहां ये कह रहे थे कि विनोद अदानी जी का कहीं भी हमारे बिजनेस में प्रमोटर ग्रुप में कोई हिस्सा नहीं है, और अभी ये खुद ही कह रहे हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी आगे चल के, और कर रही है। अभी मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी इनमें फ्रेश एंट्री या बॉटम फिशिंग तो नहीं करनी चाहिए, ये आप सोच लें समझ लें। आपके पास है लॉस हो रहा है नहीं बेचना वो एक अलग डिसीजन है, मत बेचो, बट फ्रेश पैसा तो कम से कम मत इनमें फंसाना।
स्टॉक आपको थोड़ी बहुत उछाल दिखाते हैं फिर नीचे आने लगते हैं और ये ट्रैपिंग ही होती है कहीं ना कहीं। वन साइडेड मार्केट में स्टॉक नहीं गिरता है, ऊपर आ आके गिरता है। जो इस तेजी में जितने लोग फंसते हैं ना वो फ्रेश ट्रैप होते हैं और बड़े लोग अपना माल कंटिन्यू बेचते रहते हैं, प्रमोटर्स बेच ही रहे हैं। अब आप कह रहे हो प्रमोटर्स का बेचना एक तरीके से कंपनी के लिए अच्छा है, वो लोन चुका रहे हैं, बट ये चीज नहीं होती है। प्रमोटर्स का बेचना हमेशा नेगेटिव ही माना जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी पोजीशन को धीरे धीरे हल्की करने के बारे में सोचना चाहिए और फ्रेश एंट्री या बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरा व्यू, पर्सनल व्यू है, हो सकता है आपका डिफरेंट हो, वो आप अपने हिसाब से ट्रेड लेना या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करना। मैंने अपना जो व्यू था वो आपके साथ शेयर करा। होप आपको ये वीडियो समझ में पसंद आना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।